तुमसे मिलने को दिल करता है जाना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रॉकी इनसाइड एंड यू वाचिंग रॉकी एडिटिंग वर्ल्ड। तो आज इस वीडियो में हम किस टाइप का एडिटिंग करने वाले हैं वो तो पता चल ही गया होगा वीडियो के स्टार्ट में। तो चलिए, इसके लिए आपको काइन मास्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। एंड यहाँ से आपको सबसे पहले ये प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से रेजुलेशन आपको चूज़ कर लेना है जिस पे आप बनाएंगे। तो मैं ये फर्स्ट वाला चूज़ करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जाना है आपको मीडिया में, ये ऊपर वाले ऑप्शन में, एंड यहाँ से आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है और इसको ड्रैग करके आपको जितना लंबा बनाएंगे उतना आपको कर लेना है। मैक्सिमम 30 सेकेंड रखना है आपको, 29 रखेंगे। एंड नेक्स्ट आपको लेयर पे क्लिक करना है एंड यहाँ से फिर से मीडिया में जाना है एंड फिर से यहाँ से आपको जिस भी पीक को ऐड करना है आपको उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट कर लेते हैं हम, इस वाले पिक्चर को, इसको भी ड्रैग करके ऐसे आपको ऐसे खींच के लंबा कर लेना एंड इसको एडजस्ट कर लेना, आपको फिक्स कर लेना कुछ इस तरह। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे जाना है ओवरऑल एनिमेशन में एंड इसको आपको एनिमेशन देना है। बहुत सारा यहाँ है, आप कोई सा भी आप दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, पर्ल्स का भी दे सकते हैं। तो हम ये नहीं रखेंगे, हम फ्लोटिंग का रखेंगे इसको, जो कि देखने में हल्का अच्छा लगता है। एंड फिर से नेक्स्ट आपको इसको ओके करना है एंड फिर से आपको लेयर वाले ऑप्शन में जाना है एंड मीडिया को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से एक टेम्पलेट को ऐड कर लेते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लिया एंड इसको कर देना है आपको ब्लेंडिंग में जाके इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद इसको यहाँ लगा देना है, आपको फिक्स कर देना है कुछ इस तरह। एंड इधर से हल्का आपको कम कर देना है जहाँ तक है ये एंड इसका यहाँ से आपको और एक डुप्लीकेट कर लेना है। यहाँ पे लेफ्ट 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ से आपको फिर से इसको खींच के राइट साइड आपको इधर फिक्स कर लेना है कुछ इस तरह। एंड फिर जाना है आपको लेयर वाले ऑप्शन में एंड यहाँ से फिर से एक टेम्पलेट को ऐड करना है आपको। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना कुछ इस तरह फिक्स करना है एंड फिर से जाना है ब्लेंडिंग में एंड इसको आपको स्क्रीन कर देना है एंड ये ब्लैक स्क्रीन में वॉइस होगा उसको आपको नहीं रखना है, इसमें भी वॉइस है उसको आपको हटा देना है। यहाँ से कैची वाले ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है इसका। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से ओके करना है एंड जो ये एक्सट्रैक्ट किए इसको डिलीट कर देना है, नहीं तो डबल डबल वॉइस हो जाएगा।
एंड ये पिक्चर वाले पे क्लिक करना है एंड इसका आपको कर देना है हल्का सा एडजस्टमेंट करना है आपका कलर एडजस्टमेंट करना है। तो हल्का सा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देते हैं एंड इसका सेचुरेशन को कम कर देते हैं हल्का। कुछ इस तरह इतना रखना एंड इसको हल्का सा फिक्स कर लेना है। जो ये टेम्पलेट लगाए आप हार्ट वाला इसको फिक्स कर लेना अच्छा से ताकि ये खराब ना लगे। तो ये हो गया कुछ इस तरह। देख सकते हैं आप ये हो गया एंड यहाँ से आपको सिंपली से इसको आपको यहाँ से आपको शेयर वाले में जाना है एंड यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद अगर आपको साइड साइड में अगर बॉर्डर वाइट बॉर्डर आपको लगाना है वाइट बॉर्डर को देना है तो उसके लिए आपको फिर से आपको एक बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड चूज करना होगा। उसके बाद वो फिर से हो जाएगा। ये सेव हो गया एंड फिर से इसको बैक करना है पूरा बैक करना है एंड फिर से सेलेक्ट करना है प्लस वाला आइकन पर और यहाँ से आपको मीडिया में जाना है एंड बैकग्राउंड में जाके आपको वाइट बैकग्राउंड ले लेना है एक और इसको उतना ही ड्रैग करके 29 जो था उसका उतना आपको कर लेना है एंड यहाँ से अभी जो सेव किए उसको आपको यहाँ से फिर से मीडिया में जाके लेयर में जाके आपको यहाँ से इसको एक्सपोर्ट जो किए इसको ले लेना है एंड यहाँ से आपको फुल कर देना है कुछ इस तरह। एंड देख सकते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक तो लाइक कर देना एंड चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।